सब्सक्राइब कीजिए नो इन शॉर्ट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूब में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट रिसेंटली मैंने अपने चैनल में मोनेटाइजेशन का इशू फेस किया था और किस तरह से मैंने उसको रिजॉल्व किया उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सोल मोटिव यही है कि रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे नए नए यूट्यूब चैनल्स हैं कि जिसने YouTube का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है जो वो तो फुलफिल कर लिया है, बट उसमें मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा स्टेप्स है जो मैंने फॉलो किया था अपने चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कराने के लिए। और हाँ, मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज रह जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल में फेस किया था कि मोनेटाइजेशन तो एक्टिवेट हो गया था बट मेरे वीडियोज में एड्स नहीं शो हो रहे थे। तो उस इश्यू को भी मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और जानिए सारे स्टेप्स और उन स्टेप्स को आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोनेटाइजेशन के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या किया था, जितने भी अपने वीडियोस थे सब वीडियोस को मैंने वन बाय वन चेक किया था। उसमें जो टाइटल्स यूज किए हैं, जो टैग्स यूज किए हैं या फिर जो थंबनेल यूज किए हैं वो सारे रिलेवेंट हो, और ये भी चेक किया था कि कोई भी ऐसा स्टाफ तो मैंने यूज नहीं किया है कि जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है। तो आप भी पहले अपने वीडियोस को चेक करें और देखें कि उसमें सारे रिलेवेंट चीज आपने डाला हुआ है, कोई भी ऐसा म्यूजिक या फिर कोई भी ऐसा चीज आपने यूज नहीं किया है जिसके कारण आपके चैनल में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर ऐसे किसी एलिमेंट का यूज आपने अपने चैनल में किया है तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो चैनल्स यूट्यूब के सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं एंड कंटिन्यूअसली कंटेंट अपलोड करते हैं, वो चैनल्स मेरे जो बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और मैं श्योर हूं कि उस स्टेप को फॉलो करने से उनके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इस मेल एड्रेस में, यूट्यूब के इस मेल एड्रेस में, मतलब creator-support@youtube.com में ये मेल भेज दिया था, जिसमें मैंने लिखा था कि मेरा चैनल जो है वो जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है, मतलब 400 आवर्स ऑफ व्यूज एंड 1000 सब्सक्राइबर्स लास्ट 12 मंथ्स में, वो कंप्लीट कर चुका है, इसीलिए मैंने अपने चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कराने का रिक्वेस्ट किया था, और जिसमें मैंने जो स्क्रीन शॉट है वो भी मैंने डाल दिया था। ओके, लेकिन इसका रेस्पॉन्स यूट्यूब ने कुछ इस तरह से दिया था कि ये जो मेल एड्रेस है वो एक्सक्लूसिवली उन चैनलों के लिए है जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं एंड 4 लाख वॉच टाइम है, तो इन लोगों ने मुझे कुछ सपोर्ट नहीं दिया था। तो सबसे पहले तो आप अपने यूट्यूब चैनल में लॉग इन कर लीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गूगल क्रोम के जगह आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कीजिए, क्योंकि गूगल क्रोम में कभी कभी स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, इस तरह से आप लॉग इन कर लीजिए। ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है। ओके, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चैनल का बटन दिख रहा होगा, तो इसमें क्लिक करें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये मोनेटाइजेशन का टैब दिखाई देगा। ओके, तो मेरा यहाँ पे एनेबल दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपके चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ये आपको एनेबल नहीं दिखाई देगा। ओके, तो आप इसमें क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है, इसमें मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुका है। ये ग्रीन जो डॉलर सिंबल है ये डिनोट करता है कि आपके चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुका है। ओके, लेकिन मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होने से पहले स्क्रीन किस तरह से दिखाई दे रहा था वो मैं स्क्रीनशॉट के रूप में अपने वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके चैनल में भी कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखिए, यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का बटन है, तो उसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सेंड फीडबैक, आपको दिखाई देगा, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने से आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको पैनल दिखाई देगा। इस पैनल को थोड़ा सा साइड कर लें। ओके, तो यहाँ का जो मोनेटाइजेशन का पोर्शन है तो आप उसको कम्प्लीटली कवर कर लें इस तरह से। ओके, तो मैंने देखिए इस तरह से कर लिया, उसके बाद डन दीजिए। ओके, देखिए ये आपका जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप अपना मैसेज यूट्यूब को लिख दीजिए कि यूट्यूब टीम, मैंने अपना चैनल में जो आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया था वो फुलफिल कर लिया है, तो आप मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कर दो। इस तरह सा आप उसमें मैसेज डाल के उसको सेंड कर दीजिए। ओके, तो मैंने क्योंकि अपने चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट कर दिया है तो उसको मैं सेंड नहीं करूंगा। तो जैसे ही आप सेंड में क्लिक करोगे तो विद इन 5 to 6 days आपको यूट्यूब से एक रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं अपने स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है।
तो मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद दूसरा दिक्कत आ रहा था कि मेरे वीडियोस में एड्स शो नहीं हो रहे थे, तो उसको मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं इस तरह से लॉग इन किया था एंड मोनेटाइजेशन होने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा था। ओके, सेम पुराने की तरह ही मैंने हेल्प एंड फीडबैक में क्लिक किया था। ओके, फिर सेंड फीडबैक में जाके इस पोर्शन का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और यहाँ पे टाइप किया था कि मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे वीडियोस में कुछ एड्स शो नहीं हो रहे थे, तो काइंडली आप उसको रिजॉल्व कीजिए। इस तरह से मैंने रिक्वेस्ट करके एक मेल भेजा था। ओके, तो उस मेल के रेस्पॉन्स में ओके यूट्यूब ने ये रेस्पॉन्स मुझे दिया था। ओके, तो इसमें इन लोगों ने बहुत प्रॉम्प्ट एक रेस्पॉन्स दिया था कि मेरे चैनल में एड्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं और उसका स्क्रीनशॉट देखिए, ये आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने भेजा था, ये मेरा चैनल है और इसमें ये एड शो हो रहा था। ओके ओके, तो इसी तरह से मैंने अपना ये मोनेटाइजेशन एक्टिवेट किया था एंड एड शो नहीं होने का जो इशू था उसको भी मैंने रिजॉल्व किया था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरे बताया गया स्टेप को आप फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपके चैनल में मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो गया है और क्या आपको यूट्यूब से कुछ रेस्पॉन्स मिला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें। मेरे फ्यूचर वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।